दोस्तों विशाल भाई ने कमेंट किया है कि टोयोटा हाइलक्स यानी रिवो के पीछे गार्ड्स कैसे बिठाएं। तो दोस्तों आज मैं बिल्कुल इजी वे में रिवो के पीछे तुमको गार्ड्स बिठाना सिखाने वाला हूं। अगर तुमने भी अपनी गेम में रिवो के पीछे या इवन के किसी और गाड़ी में ऐसे गार्ड्स बिठाने हैं तो वीडियो का कोई भी चैप्टर मिस मत करना, क्योंकि ऐसा ट्यूटोरियल तुमको पहले यूट्यूब पे सर्च कर लो कहीं नहीं मिलेगा। वेल स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले हम अपनी गेम ओपन कर लेंगे। वेल दोस्तों गेम ओपन करने के बाद सबसे पहले अपने कीबोर्ड में एक 9 बटन प्रेस कर लेना है, जिससे अपना ये स्पूनर मोड ऑन हो जाएगा। सिंपली एफ बटन प्रेस करेंगे, देन स्पॉन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाने के बाद व्हीकल में जाएंगे। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में हम लिखेंगे हाइलक्स 21। देन अब जैसे ही इंटर करोगे तो अपने सामने टोयोटा रिवो स्पॉन हो जाएगी, आप देख ही सकते हो। और हाँ, आपकी गेम में ये तभी स्पॉन होगी जब आपने ये वीडियो देखकर अपनी गेम में इस गाड़ी को इंस्टॉल किया हो। अगर आपने ये वीडियो देखकर अपनी GTA 5 में ये रिवो एंड और भी पाकिस्तानी कार्स इंस्टॉल करी है तो आपकी गेम में ये स्पॉन हो जाएगी। अगर आपकी गेम में इंस्टॉल नहीं है तो इस वीडियो को देख कर पहले इंस्टॉल कर लो, देन उसके बाद गार्ड्स बिठाओ। वेल दोस्तों अभी हमें ऐसा करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैंने कस्टम्स में जाएंगे, देन पेंट में जाने के बाद प्राइमरी कलर में जाएंगे, उसके बाद मेटालिक में जाएंगे, देन यहाँ पर इसका कलर व्हाइट रख लेते हैं। अभी सिंपली हम बैक आ जाएंगे, देन यहाँ पर हम विंडोज में चले जाएंगे, इसकी विंडोज हम ब्लैक रख लेते हैं। वेल तो अभी हमने अपने मेन्यू को क्लोज कर लेना है। नाउ हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि फिर से एफ बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर अपने सामने ऑब्जेक्ट स्पूनर का ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो सिंपली स्पॉन एंटिटी इनटू वर्ल्ड में चले जाएंगे, देन पेड में जाने के बाद सिंपली सर्च में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं स्वीट स्वीट सोल्जर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इंटर करेंगे तो एक स्वीट सोल्जर अपना आ जाएगा। सिंपली अभी हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन बिल्कुल नीचे होगा पेड ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ पेड ऑप्शन में जाने के बाद हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इसको वेपन दे देते हैं। मैं वेपन में चला चुका हूँ, अभी हम मशीन गन में इसको MG गन दे देते हैं। वेल दोस्तों अभी आपने यहाँ पर देख सकते हो अपने गार्ड को हमने गन दे दिए, तो सिंपली अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। नाउ हमने ऐसा करना है कि बिल्कुल लास्ट में तुमको दिखेगा अटैचमेंट ऑप्शन, तो सिंपली इसमें जाने के बाद अटैच टू समथिंग में जाना, देन हाइलक्स 21 पर सिंपली इंटर कर लेना। वेल दोस्तों अभी आपने डाउन एरो से स्क्रॉल सेंसिटिविटी में आ जाना है, देन यहाँ पर आपने इसको लेफ्ट एरो वाले बटन से 1000 कर लेना। इसके बाद बिल्कुल डाउन करके जेड एक्सिस में इसको हम ऐसा करेंगे कि 10000 रख लेंगे। तो वाई एक्सिस में हम लेफ्ट वाले एरो से -1600 रख लेंगे। अभी हमें ऐसा करना है कि फिर से स्क्रॉल सेंसिटिविटी वाले सेक्शन में आ जाने, एंड यहाँ पर राइट वाले एरो से इसको 100 कर देंगे। नाउ हम जेड एक्सिस में आकर इसको सिंपली 0.9000 रख लेंगे। वेल दोस्तों अभी आपने ऐसा करना है कि एक्स एक्सिस में सिंपली 0.2000 सेट कर लेना है। अभी दोस्तों सबसे पहले मैंने तुमको अपनी रिवो में इन गार्ड्स को खड़ा करना सिखाता हूँ, देन उसके बाद ना मैं तुमको यहाँ पर सीट लगाना भी सिखाऊंगा और बिठाना भी सिखाऊंगा। तो सिंपली इस गार्ड के ऊपर हमने राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉपी में आपने एक बार इंटर करके इस गार्ड की कॉपी बना लेनी है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो अपने दो गार्ड्स ऐड हो चुके हैं। तो सिंपली मेन्यू को क्लोज करके फिर से एफ बटन प्रेस करेंगे, देन मैनेज एंटिटी डेटाबेस में आकर बिल्कुल लास्ट वाले सोल्जर पर एंटर करेंगे। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में होगा अटैचमेंट ऑप्शन, तो इसमें जाने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि एक्स एक्सिस में इसको 0.3600 सेट कर लेना है, एंड वाई एक्सिस में आपने -1700 सेट कर लेना है। नाउ आपने बिल्कुल ऊपर स्क्रॉल सेंसिटिविटी में इसको 10000 रख लेना है, एंड या में इसको -90 डिग्री पर सेट करोगे तो यहाँ पर अपना गाड़ी बिल्कुल सीधा अटैच हो चुका है। यहाँ पर आप चाहो तो इसको और भी टर्न कर सकते हो या में जाकर। अभी ना मैं तुमको अपनी रिवो में चेयर्स और गार्ड्स को बिठाना सिखाता हूँ। वेल दोस्तों सबसे पहले हमें ऐसा करना है कि यहाँ पर भी अपनी एक गाड़ी रिवो गाड़ी स्पॉन कर लेनी है। तुम यहाँ पर देख ही सकते हो मैंने अपनी गाड़ी को स्पॉन कर लिया है, एंड इसका जो कलर है ना वो मैं वाइट रखकर इसकी विंडोज़ ब्लैक कर लेता हूँ, क्योंकि यार ब्लैक विंडोज़ एंड वाइट कलर में मुझे बहुत पसंद है। तुमको कौन सा कलर पसंद है कमेंट में लाजमी बताना। ओके तो दोस्तों यहाँ पर तुम देख ही सकते हो मैंने अपनी रिवो को स्पॉन कर लिया है। तो सिंपली अभी हम स्पूनर मोड में एक बटन प्रेस करेंगे, देन स्पॉन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाएंगे। इसके बाद सिंपली ऑब्जेक्ट में जाकर सर्च में जाना है, देन यहाँ पर आपने लिखना है COORP कॉर्प, लिखकर आपने इंटर करना है।
वेल दोस्तों, अभी आप रेजर करना है कि यहाँ 6 नंबर पर आपको दिखेगा वी कॉर्प सिटी चेयर, तो सिंपली इस पर आपने एक बार एंटर करना है। यहाँ पर अपने सामने एक कुर्सी स्पॉन हो जाएगी, दूसरी चेयर भी हमने स्पॉन करनी है, तीसरी एंड चौथी चेयर भी हमने स्पॉन करनी है। हम अभी अपनी रिवो में 4 चेयर्स लगाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने 4 चेयर्स को स्पॉन किया है। तुम चाहो तो 2 चेयर्स भी लगा सकते हो। वेल दोस्तों, अभी तुमने किसी भी चेयर के ऊपर राइट क्लिक करके अटैचमेंट ऑप्शंस में जाने के बाद सिंपली अटैच टू समथिंग में जाना है, देन हाइलक्स पर सिंपली अपने एक बार एंटर कर लेना है। नाउ दोस्तों, तुमने ऐसा करना है कि एक्स एक्सिस में इसको सिंपली 0.5000 रख लेना है, देन यहाँ पर स्क्रॉल सेंसिटिविटी में इसको अपने 100 रखकर यहाँ पर फिर से अपने 5600 रख लेना है। ओके, तो इसके बाद आपने स्क्रॉल सेंसिटिविटी में 1000 करके यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि वाई एक्सिस में -1.1000 सेट करके फिर से स्क्रॉल सेंसिटिविटी में इसको 100 नंबर पे सेट करना है, एंड यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि वाई एक्सिस में अपने -1.5400 पर सेट कर लेना है। वेल दोस्तों, इसके बाद आपने जेड एक्सिस में ऐसा करना है कि -0.2300 पर सेट कर लेना है। वेल दोस्तों, अभी आपने ऐसा करना है कि स्क्रॉल सेंसिटिविटी में इसको 10,000 रख लेना, देन या में जाकर आपने इसको -90 डिग्री पर सेट कर लेना है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद आपने ऐसा करना है कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो अपनी सीट ऐड हो चुकी है। अभी नाउ अपने सेकंड चेयर, जो दूसरी चेयर है ना, आपने इस पर राइट क्लिक करके अटैच समथिंग पर एंटर करना है, देन यहाँ पर सिंपली इसको भी हाइलक्स में एंटर कर लेना है। नाउ यहाँ पर इसकी सेटिंग तुम देख ही सकते हो स्क्रीन पर, जो तुम्हें सेटिंग दिख रही है इसी सेटिंग से तुमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाली चेयर को सेट कर लेना है। अभी अगर मैंने ना तुमको 1 by 1 सेट करना सिखाई तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स कि समझो कि 25-30 मिनट्स का हो जाएगा, तो तुम भी बोर हो जाओगे। इसलिए स्क्रीन पर तुम्हें सेटिंग दिख रही है, आराम से इसका स्क्रीन शॉट लेकर बिल्कुल सही से, तकड़ नहीं जल्दी मत करना, बिल्कुल आराम से इस सेटिंग पर जैसे सेट करोगे तो अपनी ये चारों चेयर से ना अपने रिवो में बिल्कुल सही तरीके से एड हो जाएंगी। एंड देन दोस्तों, आपकी जो ये चेयर्स हैं ना, वो अपने रिवो में कुछ इस तरह से दिखेंगी। वेल तो अभी ना हमने चेयर्स भी लगा ली है, तो अभी हम अपने कार्ड्स को इन चेयर्स के ऊपर बिठा दें। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना स्पूनर मोड ओपन F9 बटन से ओपन करके यहाँ पर एक बटन प्रेस करना, देन स्पॉन इंटेंटी इंटू वर्ल्ड में जाना। इसके बाद आपने सिंपली पेड़ में जाकर सर्च में जाना, देन यहाँ पर स्वेट सोल्जर को आप स्पॉन कर लेना, इसी को ही हम गार्ड बनाने वाले हैं। तो अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेड ऑप्शन में जाना, देन यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले तो इसको कोई अच्छा सा वेपन दे देना है। मैं ऐसा करता हूँ एजोल्ट राइफल में जाकर इसको कॉम्पैक्ट राइफल दे देता हूँ, क्योंकि रिवो में यही अच्छा लगता है। अभी आपने ऐसा करना है, बैक आकर एनिमेशंस में चले जाना है, देन ऑल एनिमेशंस में जाकर सर्च में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्लब हाउस, देन ये जो ए वाली निशानी है ना, इसको टाइप करके इसके बाद बॉस लिखकर आप जैसे ही इंटर करोगे तो यहाँ पर अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली लास्ट वाला जो एनिमेशन है ना, इसमें चले जाने। इसके बाद आपने यहाँ पर बेस पर इंटर करना है। अभी आप देखोगे तो अपना जो गार्ड है ना, वो इस एनिमेशन में आ चुका है। तो पीछे पता नहीं कौन सी गाड़ी आ चुकी है, तो इसको मैं डिलीट बटन से डिलीट कर लेता हूँ। अभी आपने ऐसा करना है कि इस गार्ड के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी 4 कॉपीज बना लेनी है। वेल दोस्तों, इसके बाद आपने ऐसा करना है कि किसी एक कार्ड के ऊपर राइट क्लिक कर लेना, यहाँ पर आपके सामने इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो सिंपली बिल्कुल लास्ट में अटैच ऑप्शंस में चले जाना, देन अटैच टू समथिंग में जाकर सिंपली हाइलाइट्स पर एंटर कर लेना। नाउ दोस्तों, स्क्रीन पर जो तुम्हें इन कार्ड्स की सेटिंग शो हो रही है बस 2nd, 3rd and 4th नंबर गार्ड की, तो इनको आपने इसी सेटिंग पर सेट कर लेना। मुझे लगता है कि आपको ये सेटिंग करना आती होगी, क्योंकि आपने चेयर्स को ऐसे ही लगाया है, तो आप गार्ड्स को भी लगा लोगे। बाकी हाँ यार, सॉरी, थोड़ी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ आप पहली बार इन गार्ड्स को, इन चेयर्स को लगा रही हो, तो इसके लिए मैं तुमसे सॉरी करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ना आपको सिर्फ सेटिंग शो कर रहा हूँ, अभी ना एक एक करके समझा नहीं रहा। अगर तुम खुद ही यार सोचो, अगर मेरी जगह होते एक एक चीज़ समझा देती तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती और तुम भी बोर हो जाते और मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने तुमको चेयर वाली, फर्स्ट चेयर वाला सेटिंग समझा कर ये
सेटिंग सारी शो कर दी है कि आप अभी खुद ही इन कार्ड्स से शेयर्स पर लगा लेना। बाकी दोस्तों मैं तुम को रिकमेंड करूंगा कि इन कार्ड्स को अपने GTA 5 में लाजमी टेस्ट करना। रिवो पर यही कार्ड्स अच्छे लगते हैं, ये साइड सोल्जर्स नजर नहीं देते। मैं आज का वीडियो यही पर खत्म करते हैं। अगर आपने GTA 5 में प्रोटोकॉल मोड इंस्टॉल करना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में जो, अगर आपने GTA 5 के ग्राफिक्स को मिलने करना है तो राइट वाली वीडियो में जो।